नमस्कार, मी भाविक पाटील मीराबाई नेला आहे मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. सध्या आपण आहोत मीराबाईंच्या रोड या परिसरामध्ये. आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की खड्ड्यांमुळे कशा प्रकारे लोकांना त्रास होत आहे, शाळेतील मुलांना कानाला देत होत आहे, त्याचप्रमाणे मुक्ती देणाऱ्या लोकांना देखील खड्ड्यांना सामोरे जावं लागत आहे. आपका यही रहता है रोज का, यानी आपको कौन सी तकलीफों का सामने जाना पड़ रहा है? जब से बरसात हुई हमें तो बहुत सी तकलीफों का सामना है. सबसे पहली चीज गाय गरीब लोग जो हमारी रिक्शा में बैठे 30 रुपया भाड़ा लेके, ये ट्रैफिक और ये खड्डे और ये पानी की वजह से उन गरीब लोगों को 35 से 40 रुपया बिल भरना पड़ता है. सबसे पहला ये, आज से 4 दिन पहले मैंने एक्सीडेंट देखा, एक लेडीज पीछे बैठी थी खड्डे में, गाड़ी पानी तो सोचा छोटा खड्डा होगा, वो बच्ची बिचारी, बच्ची तो बच गई लेकिन औरत गिर गई. इतनी परेशानी, आपको कितनी परेशानी बताओ. और सरकार किसी की भी रहे, हम गरीब लोग हैं, हम लोग भाजपा को भी मानते हैं, हम लोग कांग्रेस को भी मानते हैं, हम लोग सबको मानते हैं, लेकिन हम लोग किसी को भी नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये लोग हमारा काम नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ अपनी सत्ता को देख के चल रहे. जो बड़े बड़े लोग हैं, जो करोड़पति होगा, आज हम लोग गरीब लोग हैं. हमारी रिक्शा की लाइन के लिए एक पंप है यहाँ पे. अगर सरकार चाहती गरीबों के लिए तो यहाँ पे 5 पंप खुल जा सकती थी वो, लेकिन सरकार को उसका बड़ा नहीं है. आपने खड्डे की बात किया तो सर जी खड्डे के लिए अनोखा आइडिया. आज मेरे से आपने बात किया, आप शहर से बात करो तो इससे भारी बात वो बोलेगा. अगर वो बच्ची को कुछ हो जाता, पीछे वाला ब्रेक नहीं मारता था तो बच्ची के ऊपर से गाड़ी चढ़ जाती थी. हाँ, वो बच्ची नहीं, वो लेडीज थी, बच्ची तो बच गई, पापा का जीप पकड़ी थी, लेकिन वो लेडीज जम के हमारे नीचे उतर गई. हाँ, गिर गया, पीछे वाला ब्रेक नहीं मारता तो एक्सीडेंट. अगर आज हमारी सरकार सारी लाइन को क्लियर कर दी होती तो आज आप लोगों को रोड पे बैठ के घूमना नहीं पड़ता सर. हाँ, हमने चंद्रकांत वैती साहब से भी बात किया था, मंगलनगर में हमने रोड बनाया था तो वैती साहब ने पुल बना के दिया था. तो वैती साहब को मैंने बोला, सर जी जो आप बात कर रहे हैं फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं या वाकई में हमारी खिदमत कर रहे हैं? लेकिन वाकई में उसने मेरी खिदमत नहीं किया, वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए किया था, लेकिन आज वो पुल पूरा टूट गया है. सर जी ये बोलने का मतलब ऐसा है कि इस खड्डे की वजह से ज्यादा ट्रैफिक हमारे को हाईवे पे मिलती है, और जो काम गरीब आदमी का 18 रुपए में होता है वो गरीब आदमी का काम स्कूल छोड़ने के टाइम पे 35 रुपए का मिल जाता है. मीरा भाईंदर मध्ये ट्रॅफिकचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच आता या खड्ड्यांनी देखील भर घातली आहे. येणाऱ्या काळात निवडणुका येत असल्यामुळे सत्ताधारी कुठेतरी म्हणतील की प्रशासनाला धारेवर धरू. मात्र सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी देखील एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मतदार राजे येणाऱ्या काही दिवसात याच्यातीलच एखाद्या खड्ड्यात आपल्याला पाडू शकतात. धोके का काम नाही, आदमी चाहता है बारिश में गिरता है, कभी किसको मालूम नहीं होता खड्डा किधर है. मैं 2 बार गिरते गिरते बच गया, वो तो बच गया, चलो मैंने बैलेंस कर लिया. मेरे सामने कितने लोग गिर चुके हैं, अब इसका कौन करेगा सब कुछ? सब लोग वोटिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कौन बोलेगा इन लोगों को? कुछ सुनना भी तो चाहिए. अब इसका तकलीफ क्या है? जो नेता है उन लोगों को तो तकलीफ है नहीं, तो हम आम जैसी आम जनता को तकलीफ है. फिर हमारे बीवी है, बच्चे, अब इस दिन गिर जाते कि सब कुछ हो जाता है, ये कोई भरपाई देने वाली है? GST टैक्स बराबर हमसे ले रहे है ना, लेकिन रोडों का मरम्मत कौन करेगा? गटरे भरे, गटरे कौन भरेगा? अरे आए दिन तुम यहाँ से मीरा भाईंदर पूरा घूम लो, वो खड्डे ही खड्डे भरेगी. आदमी चले या गए सर? तो आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की सर्वसामान्यांचा आणि महानगरपालिकेविरुद्ध, त्यामुळे पालिका परिषदेने जी कामे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी करणे गरजेचे आहे, त्या अजून देखील झाली नाही. जर ती कामे झाली असतील तर खड्डे हे कुठे निर्माण झाले यासारखे सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतात. व्हिडिओ सर्विस प्रणव सावंत सोबत मी भाविक पाटील, मीरा भाईंदर.